more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video from Filmy Mantra. मैं नीचे जा रहा हूँ या कुर्सी नीचे जा रही है? What the? Okay, what I'm nice and low now. Okay, let's go. At least we're now. Yeah. Hi. Yeah. I planned this. Huh. Okay. Sorry. Please start again. हाँ, बहुत लंबा टाइम हो गया दैट राम एंड आई हैव वर्क टुगेदर नाउ वर्क टुगेदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सो अच्छा फीलिंग है एंड आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन क्योंकि ये सब चीजें सेट पे होता था लेकिन टू डू इट ऑन अ शो एंड टू बी ऑन हिज शो एंड हियर टू सपोर्ट यू यस सनी ना सनी और मैं हम दोनों की फिलॉसफी सिमिलर है वी बोथ लव हैविंग अ गुड टाइम व्हाइल वी वर्क we love laughing, we love making the situation light. I've never wanted to take my work too seriously. And she's like that as well. So we have a lot of fun in between shots. We did that during the film as well. We did that today again. I missed her, so it was good fun. I know. And what your comfort level at, you know, to have fun and not worry about kya face bana rahi hu, kya face nahi bana rahi hu, or just being able to have fun is it's a great feeling. बस इतना मैं इट्स योर शो गो फॉर इट सॉरी कॉमेडी हाई स्कूल इस शो का नाम है जो एक कॉमेडी शो है लाइव फॉर्मेट कॉमेडी शो है इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस मेरे लिए पहली बार है आई हैव डन थिएटर बिफोर बट दिस इज लाइक टेलीविज़ थिएटर और मुझे बहुत मजा आ रहा है अभी अभी शूटिंग शुरू हुई है टुडे इज जस्ट द सेकेंड एपिसोड But I'm having a lot of fun. It's challenging. ये मेरे comfort zone के बाहर है. But I like challenging myself. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. I really have a lot of expectation from this show. लेकिन I think audience को भी बहुत पसंद आएगा. Fingers crossed. Ram, like you said, ये बहुत ही challenging है. Serious role से ज़्यादा challenging रहा comedy करना क्योंकि audience को हंसाना वाकई challenge. बिल्कुल सही कहा आपने. मेरे हिसाब से कॉमेडी करना सबसे कठिन होता है हालांकि कुछ लोग सीरियस स्टफ ज़्यादा आसानी से करते हैं कुछ लोग कॉमेडीज आसानी से करते हैं फॉर मी कॉमेडी बहुत हार्ड हुआ करता है बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू मेक पीपल लाफ मैं पूरी तरह से जानता हूँ इस बात को लेकिन जैसे कि मैंने कहा मुझे अपने आप को चैलेंज करना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई थिंक एन एक्टर ग्रोज इफ़ यू कीप चैलेंजिंग योर सेल्फ तो मैंने एक चैलेंज की तरह इसको स्वीकार किया उसके ऑफकोर्स रीजन्स थे देयर इज डिस्कवरी चैनल इन्वॉल्व हुम आई लव देयर इज सॉल इन्वॉल्व देयर इज भरत जी इन्वॉल्व दीज आर पीपल आई फील सेफ मैं बहुत सेफ फील कर रहा हूँ आई एम फीलिंग इन द एग्जैक्ट एनवायरनमेंट जहाँ पर मुझे ये ट्राई करना था सो आई एम नर्वस बट आई एम ऑल्सो एक्साइटेड यू आर गोना बी जस्ट फाइन हाँ जी बच्चे, 20 kids. I mean, it's the joke is that my character is playing a character that is supposed to be part of a film, and she thinks those 20 बच्चों, वो 20 बच्चों जो है, it's actually a classroom of students. So अगर आपका माइंड गड़र में है, मैं कुछ नहीं कर सकती. Serious. यस जैसे कि मैंने कहा मैं ये मेरे कंफर्ट जोन के बाहर ज़रूर है लेकिन मुझे खुशी इस बात की मिल रही है कि मैं जो शो कर रहा हूँ इट्स अ वेरी क्लीन शो
मेरे बच्चों ने हमेशा मुझसे कहा है कि डैड डू अ कॉमेडी दैट वी कैन वॉच, एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये शो मेरे बच्चे देख पाएंगे, मेरे साथ बैठ के देख पाएंगे, बिकॉज इट्स अ क्लीन शो, कुछ अंडर द बेल्ट डबल मीनिंग वाला बिल्कुल नहीं है इसमें. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, क्योंकि मैं अगर इंडियन टेलीविजन में कॉमेडी करूँ तो ऐसी कॉमेडी ही करना चाहूँगा. सो यस आई एम, आई वुड नॉट से नर्वस, बिकॉज मैं नर्वस ज़्यादा होता नहीं हूँ. आई एम एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड. लेकिन चैलेंज तो है, तो ऑडियंस किस हद तक स्वीकार करेगी ये मैं नहीं जानता. आई कैन जस्ट होप एंड मैं बताती हूँ करेंगे. शी इज़ द बेस्ट, बहुत पॉजिटिव है. नो शी इज़ वेरी पॉजिटिव, इवन सेट पे शी इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी. सो लाइक आई सेड, आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, बट आई एम ट्राइंग माई हार्डेस्ट. मैं हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा मस्तीखोर था. मैं अपनी प्रैंक्स के लिए जाना जाता था. टीचर्स बहुत मारा करते थे मुझे, बट द स्टूडेंट्स यूज्ड टू रियली लव मी. मेरे हाई स्कूल के इयर्स मेरे सबसे बेस्ट इयर्स रहे थे, एंड इन अ सेंस आई एम रीलिविंग दैट टाइम, बिकॉज यहाँ पर भी बहुत मस्ती होती है. हमारी स्क्रिप्ट्स में तो मस्ती है, बट ऑल दी एक्टर्स वी रियली गेट अलॉन्ग वेल, और बहुत एक दूसरे की खींचते रहते हैं. So set is a very nice place. It's full of laughter. It's full of fun. And aisa hi hota hai achha kaam. The way I see it, ek dusre ko respect karte hain sab log, and we trust each other. That is why we're trying to do good work. Sorry, what about you? Aapka high school ka time kaisa tha? Sorry, mera thoda sa disappointing ho gaya aap log ke liye. Main bilkul opposite thi from what Ram just said about himself. I was very shy and I wasn't outgoing at all. It wasn't until very many years later that I found that ability to be more outgoing. Sorry. नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं माना है मैंने. चैलेंजिंग बहुत है, बिकॉज मेरे कम्फर्ट जोन के बाहर है. यू नो, मैं पिछले 18 साल से इंटेंस शोज और ड्रामास करते आया हूँ या रोमांटिक करते आया हूँ, जिसका रिदम अलग होता है, करने का तरीका अलग होता है, और ऐसा लाइव फॉर्मेट नहीं होता. ये इस शो का रिदम अलग है, एनर्जी लेवल्स जो रिक्वायर्ड है अलग है, प्लस लाइव ऑडियंस के सामने है, तो हर चीज़ अलग है इसमें. एंड आई एम टेकिंग इट वेरी सीरियसली, क्योंकि मैं अगर अपने कंफर्ट जोन के बाहर कुछ अटेम्प्ट कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू डू इट एज बेस्ट एज आई कैन, क्योंकि अगर अच्छा नहीं करूँ तो करूँ ही क्यों. सो I'm really trying my best, but I'm very lucky. I have a very good cast around me, जो बहुत ही माहिर हैं और कॉमेडी सालों से कर रहे हैं. So I think लोग इसे स्वीकार करेंगे. जी, उस बारे में मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, कभी नहीं सोचा है. टीवी में भी जब मैं एज अ ड्रामेटिक लीड एंड रोमांटिक लीड आया, मुझे बहुत लोगों के साथ कंपेयर किया गया, रौनित के साथ तो बहुत कंपेयर किया गया. आई डोंट एवर थिंक अबाउट दैट, बिकॉज फॉर मी चूजिंग द राइट प्रोजेक्ट और फिर जितना अच्छा उसको कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ. लोग चाहे कुछ भी कहें या कंपेयर करें इज नॉट रियली एनी ऑफ माई बिजनेस. सो दैट्स द सेम वे आई एम अप्रोचिंग दिस शो. आई वॉन्ट टू डू इट एज बेस्ट एज आई कैन. उसके बाद अगर लोग कंपेयर करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे. यस जो गेस्ट होंगे इस शोज़ में, गेस्ट ज़रूर होंगे, और टीवी से भी होंगे, बॉलीवुड से भी होंगे, जैसे कि सनी आई हैं, शी इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट फॉर अस. ऐसे और भी गेस्ट, बी क्वाइट, नॉट मी, समबडी एल्स, बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. लेकिन मैं कहना चाहूँगा दैट द वे गेस्ट कम इन अदर शोज वेयर दे कम टू प्रमोट देयर फिल्म्स, इस शो में टू सम लेवल वैसा नहीं होने वाला. Because here they don't come as themselves, they come to become a part of the school और हमारी कहानी से जुड़ जाते हैं एक एपिसोड या दो एपिसोड के लिए, जैसे कि सनी जुड़ी. सो दे गोइंग टू कम एंड परफॉर्म विद अस एंड डू सीन्स विद अस इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एंड डूइंग क्वेश्चन आंसर्स टू प्रमोट समथिंग. सो होपफुली यू गाइज विल गेट टू सी समथिंग डिफरेंट विद गेस्ट. थैंक यू गाइज, थैंक यू.